कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। मेरे पूरे वार्ड नंबर 1 से कोई लेके नहीं आया इनको, पूरे रास्ते गाड़ी वाले ने नहीं रोका किसी ने। तो आप कहाँ दिखाने लेके आए इनको? तो प्राइवेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक, आपके साथ मैं हूँ अमित तिवारी। शुरुआत में जिस नाबालिग को आपने सुना और उसने कहा कि कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया, उसने लोगों से मदद भी मांगी। जी हाँ, मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है रायसेन का, जहां अपनी नानी के लिए इस नाती ने खुद ही मेहनत की और अपने नानी के काम आया। कैसे? पहले तो ये तस्वीरें देखिए जिसने मानवता को शर्मसार किया। ये नाबालिग बच्चा हाथ ठेले पर अपनी नानी को डॉक्टर के पास या अस्पताल तक लेके गया। देखिए पहले ये तस्वीर देखिए आप। हाथ ठेले पर ले जाते हुए आपने देखा, आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? खुद आप सुनिए, ये बच्चा जिसका नाम नीलेश कुशवाहा है, क्यों उसको अपनी नानी को हाथ ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, सुन लीजिए। क्या होगा यार, कैसे लेके आए हो यहाँ? सर्दी जुकाम हो गया था, सिर दुख रहा है उनका, कुछ नहीं हो गया। तो कहाँ से लेके आ रहा हूँ? नरेपुर वार्ड नंबर 1 से कोई लेके नहीं आया इनको, पूरे रास्ते गाड़ी वाले ने नहीं रोका किसी नहीं ने रोका। तो आप कहाँ दिखाने लेके आए इनको? तो प्राइवेट। प्राइवेट, क्या नाम है अम्मा का? नाम क्या उन्होंने? बसंती बाई। हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? बसंती बाई। सुना आपने, दरअसल इस दौर में जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहाली को लेकर मध्य प्रदेश में तमाम सवाल उठते हैं, तो रायसेन वो जगह है जो कि स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, प्रभुराम चौधरी का क्षेत्र है रायसेन। वहां पर जब इस लड़के ने लोगों से मदद मांगी थी, इसकी नानी बसंती बाई को दरअसल सर्दी जुकाम की शिकायत थी, हल्का बुखार था, तो लोगों के मन में अब संवेदनाएं इतनी कम हो गई हैं, तो कोई भी नानी को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आसपास के रिश्तेदारों से इस शख्स ने कहा, इस बच्चे ने, लेकिन कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब इसको कुछ समझ में नहीं आया कि नानी को मैं कैसे इलाज के लिए ले जाऊं, तब नीलेश ने अपने सब्जी के व्यवसाय के लिए जो हाथ ठेला वो इस्तेमाल करता है, उसी हाथ ठेले को अपना सहारा समझा, उसी हाथ ठेले पर अपनी नानी को बिठाया और 1 किलोमीटर तक ऐसे हाथ ठेले पर ले जाकर ले गया वो डॉक्टर के पास। इस दौर में दो चीजों की स्थितियां हैं, एक तरफ तो जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, एम्बुलेंस सरकारी वाहन मिलता नहीं है, दूसरी तरफ लोगों की संवेदनाएं भी इतनी कम होती जा रही है, जिसे कहते हैं मानवता इतनी कम होती जा रही है, कि रास्ते में जब यही नीलेश नाम का बच्चा लोगों से मदद मांगता रहा, लोगों ने देखा, ऐसा भी रायसेन में जब ये निकला था अपने घर वार्ड नंबर 1 नरापुरा से, तब भी लोगों ने रास्ते में देखा, सब हैरत से देख रहे थे कि आखिर अपनी नानी को ये हाथ ठेले में ले जा रहा है, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। तो यही एक बड़ी बात आती है जो मानवता को शर्मसार कर देती है, कि इस दौर में भी लोग जो है मदद के लिए आगे नहीं आना चाहते। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल तो बेहाल है, और उसके अलावा जो मानवता है जिससे उम्मीद की जाना चाहिए वो भी लोग पूरी करते हुए नजर नहीं आते। यही वजह की ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आती रहती है, जो कई सवाल उठाते हैं। आप देखते रहे अभी तक। Thank you.